नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संस्कार धानी देश में इकलौता ऐसा शहर है जहां दशहरा के दिन एक दिन पहले ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है। पंजाबी हिंदू संगठन की ओर से दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशहरे की जबलपुर में आज से शुरुआत हो गई। श्रद्धालुओं से खचाखच भरा शासकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज परिसर शानदार रंग बिरंगी आतिशबाजी से दमक पड़ा। जैसे ही श्री राम के अग्निबाणों ने रावण कुंभकर्ण के 60 फुट के पुतले को भेदा, दोनों पुतले धो धो कर जल उठे और श्री राम के जयकारों से परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रावण कुंभकर्ण के 60 फीट के पुतले रहे। हजारों दर्शकों से भरे जबलपुर के आयुर्विज्ञान कॉलेज ग्वारीघाट में पंजाबी दशहरे ने इस वर्ष भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौका था हर साल की तरह असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा का। इस अवसर पर सांस्कृतिक और पारंपरिक धुनों और गीतों के बीच जहाँ रंगारंग कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं का मन मोहा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्याम बैंड की धार्मिक धुनों ने उपस्थित जनसमूह को झूमने मजबूर कर दिया। श्री राम के बाण ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुराई पर अच्छाई की प्रतीक रावण को अपने अग्निबाण से दहन कर दिया और एक बार फिर चहुं और अच्छाई की छटा बिखेर दी। जबलपुर की पहचान कहे जाने वाले पंजाबी दशहरा नवरात्र की नौमी मर धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम भले ही पंजाबी समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में पूरे देश की झलक दिखाई देती है। आयोजन में सबसे पहले भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, बाद में पंजाबी गिद्दा, टप्पे, राजस्थानी और मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। हर साल की तरह इस साल भी शानदार आतिशबाजी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। आयोजनकर्ता का कहना है कि पंजाबी हिंदू संगठन की ओर से हर साल दशहरा का एक दिन पहले ही रावण का दहन किया जाता है। सभी भक्तों को दशहरे की बहुत बड़ी बधाई शुभकामनाएं। इस समय जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं उसको पंजाबी दशहरा उत्सव 2024 के पीछे में सुंदर को मुझे बड़ी खुशी है कि 71 या 72 आयोजन है। 71 साल या 72 साल पूर्व से जो आयोजन हो रहा है, इसमें हम भगवान रूप श्री राम जी को याद करने का हमें एक बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें अपने दुर्गुणों को समाप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंजाबी दशहरा का ये भावी आयोजन सभी भाइयों के द्वारा, सभी संगठन के द्वारा इतना बड़ा अद्भुत आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मन बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। देखिए, पंजाब एक शौर्य का क्षेत्र रहा है हमेशा से, और पंजाब ने अपने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। आज यहाँ पहुँच करके मुझे अमृतसर याद आ रहा है, यहाँ पहुँच करके, क्योंकि मैंने पंजाब में बहुत मैंने आयोजन किए हैं और वहाँ की बिल्कुल आस्था से, श्रद्धा से, वहाँ की किए गए कार्यों से मैं बड़ा अभिभूत हूँ। पूज्य गुरु नानक देव ने, भगवान गुरु नानक देव जी ने जो अपना सदविचार सदगुण जो दिया है, मैंने पूर्व में भी बोला है कि संतों को जितना पंजाब में माना जाता है शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, 100 में से 1000 नंबर देने लायक कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, रावण के दुर्गुणों से दूर रहे और प्रभु राम जी के सदगुण को स्वीकार करें। आज दशहरे के समय पर हम सीखेंगे, जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया है उसे अपने छोड़ देते हैं, जिसने धर्म के रास्ते का चुनाव किया है बंदर भालू भी उसका सहयोग करते हैं। राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, बंदर भालू भी सहायक बन गए। रावण ने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया, सगे भाई विभीषण ने संग छोड़ दिया। तो आज का दिन हमें कहता है कि हम धर्म के रास्ते का चुनाव करें, दुर्गुणों को छोड़े, अच्छाई को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो एक पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, जिनमें से बहुत सारे आज हमारे बीच में नहीं भी है, ये उनका किया हुआ एक ऐसे पुण्य का काम है जो लगातार आज की नौजवान पीढ़ी अपने बुजुर्गों के साथ उनका मार्गदर्शन लेकर उसको निरंतरता के साथ जारी रख रही है। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, आप ये देख रहे हैं कि पंजाबी दशहरा 7 दशक से ज़्यादा जबलपुर में आज हो गए होते हुए हर वर्ष उसकी गरिमा भव्यता और बढ़ती जा रही है। और नाम तो पंजाबी दशहरा है इसका, क्योंकि पंजाबी समाज, पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के तत्वाधान में इसका आयोजन होता है। पर संस्कारधानी जबलपुर के और आसपास के दूर दूर के इलाकों, सभी
धर्मों के मजहब के वर्ग के लोग आकर इसमें शामिल होता है। और आज के दिन में महाअष्टमी और नवमी की और पंजाबी दशहरे की समस्त हमारी धार्मिक जनता को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँ। इस बार क्या विशेष विशेष रखा गया है जो कि काफ़ी तैयार रहता है लोगों को शहर के बाहर के? विशेष तो सब हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, जो बाहर से कलाकार आते हैं, आप देखेंगे पंजाब से, पंजाब की माटी की जो एक सुगंध है वो जबलपुर में संस्कारधानी में बिखेरने के लिए विशेष तौर पर बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। उनका गीत संगीत गिद्धा के द्वारा लगातार आप देख रहे हैं, तो सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं और एक ऐसा संदेश भी समाज को दे रहे हैं कि हमें आज दशहरे के इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सीख को मानते हुए एक आदर्श जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।